सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से चोरी का कोयला पकड़ा गया। पुलिस में शिकायत हुई दर्ज, लेकिन काटा बाबू का क्या, उसे क्यों बख्शा जा रहा है, किसकी छत्र छाया में हो रही है चोरी, आखिर इतना बड़ा ट्रक चेक पोस्ट के अंदर बिना डीओ गया कैसे, जब गया तब क्यों नहीं उसे रोका गया। वेकोली का बल्लारपुर एरिया जिसका जितना भी गुणगान करे उतना कम ही लगता है। एरिया जनरल मैनेजर बीसी सिंह की राज में तो यहाँ कोयला तस्करों को यहाँ के अधिकारी ही कोयला परोसने का काम करते थे, ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा। खैर, बल्लारपुर एरिया में बढ़ते तस्करी के वारदातों के बीच बीसी सिंह का तबादला हो गया। नए आए जनरल मैनेजर डे इन्होंने यहाँ के क्राइम को कंट्रोल करने का अच्छा प्रयास किया है। आए दिन चोरी की गाड़ी पकड़ने समेत तस्करों के चोर रास्तों को बंद करने का प्रयास और काम जोरों पर है। इसी के बीच जनरल मैनेजर डे इनके मार्गदर्शन में रविवार की सुबह वेकोली के सुरक्षा कर्मियों ने एक ट्रक पकड़ा जिसमें करीबन 30 टन कोयला भरा हुआ था, जिसका मालिक जीएस कारला है, साथ ही उपकार सिंह कारला के नाम से वेकोली में डीओ उठाया जाता है। बताया जा रहा है कि वो कोयला चोरी का है, जिसकी शिकायत भी पुलिस थाने में दर्ज करा दी गई है, लेकिन इन सब में खबर का विश्लेषण करना भी जरूरी है। जिस तरह से कोयला ले जाते समय किसी अनजान शख्स को पकड़ा जाता है तो वो गुनहगार की श्रेणी में आता है, उसी तरह किसी के पास कोयला उठाने का डीओ हो तो उसे लीगल तौर पर कोयला वेकोली की ओर से दिया जाता है। अब कल रविवार की वारदात को ही ले लो, जिसमें कोयले से भरा हुआ ट्रक सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा, जिसे सुरक्षा कर्मी और वेकोली के अधिकारी चोरी का बता रहे हैं। लेकिन हमें मिली जानकारी के अनुसार कोयले का डीओ खत्म हो गया था, जिस वजह से उसकी गाड़ी पकड़ी गई। अब ऐसे में सोचने वाली बात है कि जब कोयला उठाने का डीओ खत्म हो गया था तो उसे चेक पोस्ट के अंदर से कोयला भरकर कैसे दिया गया, क्या इसमें वो काटा बाबू और वहां के मैनेजर दोषी नहीं है। जब वो कोयला चोरी का है तो उस चोर को कोयला देने में मदद करने वाले अधिकारी भी उतने ही दोषी है, जिन पर भी पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करने की जरूरत है। आपको बता दें कि हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिसका डीओ होता है वो कोयला उठाने में पीएचडी प्राप्त होता है। चार ट्रक कोयला लीगल तरीके से उठाने के बाद अधिकारियों से अपने मीठे संबंधों के चलते एक ट्रक गलत तरीके से निकाला जाता है, जिसमें अधिकारी समेत डीओ धारक भी खुश होता है। इस घटना में भी कुछ इसी तरह की बू आ रही है, जिसकी उचित जांच होना बेहद जरूरी है। टीम VL24 न्यूज़।